हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो देखो, आप सबने अपने आसपास बहुत से ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने ब्लड के बारे में ही डिस्कस करना है, लेकिन किसके ब्लड के बारे में जानेंगे हम आज? ह्यूमंस के ब्लड के बारे में। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन ब्लड जो है, सबसे पहले हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही समझते हैं कि ब्लड की स्टडी को बोला क्या जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमाटोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको? हिमाटोलॉजी। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ब्लड होता क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या कहा जाता है ब्लड को? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने कहा ह्यूमन ब्लड स्टडी करेंगे, और मैंने कहा ब्लड क्या है तुम्हारे पास? टिश्यू। अब ब्लड को आप टिश्यू बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ब्लड को आप कनेक्टिव बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? ब्लड को आप फ्लूड बोल रहे हो तो क्यों बोल? ठीक है, तो देखो, फ्लूड क्यों कहते हैं ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप सबने ब्लड कहीं ना कहीं देखा होगा। तुम्हें पता है जो ब्लड होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, फ्लूड स्टेट होती है उसकी, इस वजह से इसको फ्लूड कहा जाता है। ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ आ गई। अब बताओ, टिश्यू को कहते हो? ठीक है, तो आपको पता होगा जो आपका ब्लड है, ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। तो देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जा रहे हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इसी वजह से तो हम ब्लड को क्या कह रहे हैं? टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ आया। नेक्स्ट देखो, आप कनेक्टिव क्यों कह रहे हो भाई इसको? तो देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो आपके लीवर को कोई चीज आपके ब्रेन तक पहुंचानी, ठीक है, मान लो उसको ग्लूकोज देना, ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, या आपकी किडनी को कोई चीज आपके लीवर तक पहुंचानी है, ठीक है, तो क्या करेगा भाई? आपका जो लीवर है वो चल के क्या करेगा? ब्रेन तक आएगा और उसको वो चीज देगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, किसी का आता हो ऐसे? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब भी हमारे बॉडी के किसी एक ऑर्गन ने किसी दूसरे ऑर्गन तक क्या पहुंचाना हो, कोई भी चीज पहुंचानी हो, ठीक है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं भाई? ब्लड के थ्रू पहुंचाते हैं। वो कुछ चल के तो जाते ही नहीं, किसके थ्रू पहुंचाएंगे? ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो देखो, ब्लड का क्या काम है? पूरे दिन बॉडी में सर्कुलेट करते रहना, ठीक है, और एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के जो कनेक्शन करता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है भाई? ब्लड भी तो करता है, कर रहा है ना, एक बॉडी को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट, एक ऑर्गन को, ठीक है, किस तरह से कि इस ऑर्गन को अगर दूसरे ऑर्गन तक कुछ पहुंचाना है तो ब्लड लेके जाए, कनेक्ट हो रहे हैं ना वो, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? कनेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, अब समझ आया कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी को हिमाटोलॉजी कहा जाता है, और ब्लड को क्या कहा जाता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ आई डेफिनेशन अच्छे से? अब एक और चीज कहा जाता है कि ब्लड जो होता है ना आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है भाई? मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या होता है ब्लड? मीजोडर्मल ऑर्गन। अब भाई, ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या चीज है? ध्यान से समझना इसको भी, ठीक है। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, अपने ममा के बॉम में होते हैं, जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो जब हम भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, तो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तो क्या डायरेक्टली ऑर्गन्स बन जाते हैं? नहीं भाई, डायरेक्टली ऑर्गन नहीं बनते हैं। सबसे पहले ना हमारे अंदर जर्म लेयर बनती है, ठीक है, क्या बनती है? जर्म लेयर। कितनी जर्म लेयर बनती है भाई? तीन जर्म लेयर बनती है, ठीक है, कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली होगी इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, ठीक है। जो सबसे सेंटर वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। और जो सेंटर वाली है इसको क्या कहेंगे? मेसोडर्म। ठीक है, देखो, मैं कोई चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से। मैंने कहा
ब्लड तुम्हारे पास एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। अब मीजोडर्मल ऑर्गन कैसे है, मैंने कहा कि जब भी हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो डेवलप सीधा ही करना शुरू नहीं करते थे, ठीक है। सबसे पहले जर्म लेयर बनती है, ठीक है। उन्हीं जर्म लेयर से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लड है, ठीक है, तो वो कौन सी लेयर से बना हुआ है भाई, वो मीजोडर्म लेयर से बना हुआ है। कौन सी लेयर से बना हुआ है, मीजोडर्म लेयर से बना हुआ है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या कहते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन, समझ आया, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन आपका एक्टोडर्म लेयर से बना होगा उसको एक्टोडर्मल ऑर्गन कहेंगे, जो भी ऑर्गन आपका एंडोडर्मल लेयर से बना होगा उसको एंडोडर्मल ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो ब्लड होता है ये मीजोडर्म लेयर से, जर्म लेयर से बना होता है, इसलिए इसको मीजोडर्मल ऑर्गन कहा। समझ आई बात अच्छे से। नेक्स्ट चीज देखो आप, अगर हम ब्लड की बात करें कि ब्लड होता कितना है भाई एक एडल्ट मेल में या एडल्ट फीमेल में, ठीक है, तो ध्यान से अगर हम एक अडल्ट मेल की बात करें तो अडल्ट मेल में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है भाई, 5.5 to 6.5, ठीक है। वही एक अडल्ट फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है, 4.5 से 5.5। समझ आया, ठीक है। स्टडी को हिमाटोलॉजी कहते हैं। ब्लड तुम्हारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। अडल्ट मेल में इतने लीटर ब्लड पाया जाता है और अडल्ट फीमेल में कितना पाया, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। नेक्स्ट चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई, ठीक है। क्या चीज है भाई वो, जरा वेट बताओ ब्लड, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक बॉटल है पानी, ठीक है, बॉटल है, बॉटल में पानी पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ वेट है ना पानी का। उसी तरह से ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इस ह्यूमन बॉडी में लिक्विड चीज क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेट तो होगा ब्लड का, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना, पूछा गया, ठीक है। तो ब्लड का वेट कितना होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट। कितना होता है हमारे बॉडी वेट का, जो 7% वेट होता है वो किस वजह से होता है, ब्लड की वजह से, ठीक है, समझ आई ये बात। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है को लिखो, पीएच की बात करें, किसकी बात करेंगे, ब्लड के पीएच की बात करेंगे। तो ब्लड का पीएच कितना रहता है भाई, जो ब्लड का पीएच होता है ये तुम्हारे पास 7.4 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच के बारे में बता दूं, पीएच स्केल तुम्हारे पास एक ऐसा स्केल होता है, एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से तुम्हें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज हमारे पास जो पड़ी हुई है वो एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की, ठीक है। तो किसी भी चीज का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर हम किससे पता लगाते हैं, पीएच स्केल से पता लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड का पीएच कितना है, 7.4 है, ठीक है। तुम्हें एक चीज बता दें कि जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेके 14 तक रहता है नंबरिंग, ठीक है। 7 से ऊपर सारे कितने क्या होते हैं तुम्हारे पास, बेस, जिनका भी बेस, ठीक है, जिन भी चीजों का पीएच स्केल में 7 से ऊपर नंबरिंग आती है वो सारे क्या होते हैं तुम्हारे पास, बेस, और 7 से नीचे वाले सारे क्या होते हैं, एसिड्स। समझ आई, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया होगा 7.4 लिखा है, इसका मतलब जो हमारा ब्लड है वो कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, सही बात है ना। लेकिन अब एक और चीज बताओ, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक और चीज में इस्तेमाल की जाती है जब भी ब्लड के नेचर की बात की जाती है कि ब्लड का पीएच कैसा है, है ना, नेचर कैसी है, तो कहा जाता है कैसा होता है भाई, ये एल्केलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन। तो ये एल्केलाइन क्या चीज है, बेसिक तो समझ आ गया, ठीक है, कि ब्लड बेसिक नेचर का, एल्केलाइन क्या है, आपके पास आपका कोई भी ऐसा बेस, ठीक है, कोई भी ऐसा बेस जो पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन कहते हैं। तो आप लोग खुद बताओ आपका जो ब्लड है क्या वो पानी में मिक्स हो जाता है, आराम से हो जाता है ना, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एल्केलाइन कहते हैं। समझ आई बात पक्का। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। जो आपका ब्लड है, ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है भाई, 38 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 38। इंपॉर्टेंट है, समझ आया, ठीक है, पक्का। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट चीज हम क्या डिस्कस करेंगे कि ब्लड के बारे में पता तो चल गया कि ब्लड का टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, ठीक है, वेट कितना है, ठीक है, एडल्ट मेल फीमेल में कितना पाया जाता है। अब हमें ये बताओ कि जो ब्लड होता है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ब्लड बनता कहाँ पे, ठीक है। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। देखो जो आपका ब्लड होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बात जो मैं कह रही, जितनी भी लॉन्ग बोन्स पाई जाती है, ठीक है, उन बोन्स के अंदर एक खाली जगह होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लंबी बोन्स पाई जाती है उनमें खाली जगह होती है जिसको क्या कहा जाता है, बोन मैरो। क्या कहा जाता है, बोन, ठीक है। और ये बोन मैरो वही ऑर्गन है, वही जगह है जहां पे तुम्हारे ब्लड की क्या होती है, फॉर्मेशन। ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, बोन मैरो, ठीक है। अब आप बोलोगे बोन में ब्लड के, बोन मैरो मतलब ब्लड के आपके बोन के अंदर है ना, तो बोन के अंदर हमारे ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो ब्लड है भाई बाहर कैसे आता है, ठीक है। तो तुम्हें बता दो तुम्हारी ये जो बोन्स होती है कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू जो ब्लड है आपका वो ब्लड वेसल्स में यहाँ से यहाँ पे फॉर्मेशन होके फिर कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स। समझ आई बात, ठीक है। अब ये मत कहना जैसे मेरे पास मेरी फिंगर है, ठीक है, फिंगर में कितनी है, छोटी छोटी बोन्स है ना, अब ये मत कहना कि यहाँ पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। जितनी भी तुम्हारी बॉडी में लंबी लंबी बोन्स है, तुम्हारी लेग की बोन्स आ गई, तुम्हारी ये वाली लंबी बोन्स आ गई, ठीक है, वहां पे होती है तुम्हारी ब्लड की फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक और बात दिमाग में आई कि ठीक है हमारे अंदर तो लंबी लंबी बोन्स हैं, ठीक है, लेकिन अगेन जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं है ना, तब तो हम छोटे से होते हैं, हमारे अंदर तब तो लंबी लंबी बोन्स होती ही नहीं है, तो उस टाइम हमारे अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ठीक है। तो देखो एम्ब्रियो में, ठीक है, या हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे जो ब्लड है उस ब्लड की फॉर्मेशन होती कहाँ पे है, लीवर के अंदर होती है। कहाँ होती है, लीवर में, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है। समझ आया पक्का अच्छे से, ये रहा तुम्हारा ब्लड का फॉर्मेशन। उसके बाद एक और बात करते हैं हम कलर की, किसकी बात करेंगे अब, कलर की। अब अगेन अपनी लाइफ में सभी ने कभी ना कभी ब्लड देखा होगा और सबको पता होगा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा कलर होता है ब्लड का, रेड कलर होता है, ठीक है। तो देखो जब भी किसी भी चीज में कोई कलर होता है ना, तो कलर के पीछे ना एक रीजन होता है कि कलर किन की वजह से होता है, कि कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई ना कोई पिगमेंट जरूर होगा। ये पिगमेंट्स ही होते हैं जो तुम्हें क्या देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे ब्लड में भी कोई ना कोई पिगमेंट होगा जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो उस पिगमेंट को क्या कहा जाता है, उस पिगमेंट को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है ये तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड का जो कलर है वो कलर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें एक चीज दिख रही है, यहाँ पे हीम ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है। ये हीम क्या होता है, आयरन, ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, फेरस, ठीक है, ये आयरन ही प्रेजेंट होता है, तुमने देखा होगा, ठीक है। आयरन को अगर जंग लग जाए है ना, उसके ऊपर पानी मॉइस्चर में रहे, जंग लग जाती है और रेड रेड कलर का हो जाता है ना उसका सरफेस, इसी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है किस कलर का है भाई, रेड कलर का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या पूछा जाता है कि भाई हमें बताओ जो ब्लड होता है ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है तुम्हें ग्लोबिन, ये प्रोटीन, ठीक है, ब्लड प्रोटीन, ठीक है। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ आई बात अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लो सलाई, ठीक है। कलर की बात हम बात करते हैं, एक छोटा सा मोल, ठीक है, इसलिए लिखवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कॉकरोच का कलर पता है, ब्लड का, कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है भाई, वाइट होता है, ठीक है। अब देखो वाइट कलर है पिगमेंट की वजह से, कोई ना कोई पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा, उसी वजह से उसका कलर क्या है, वाइट है।
तो ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉकरोच में जिसकी वजह से उसके ब्लड का कलर क्या है, व्हाइट। ठीक है, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, हीमोनिम्फ। क्या कहते हैं, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोनिम्फ। पूछा गया है, नोट रख लेना, स्टार डाल के लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट एक और चीज पूछी जाती है तुम्हारे एग्जाम्स में, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड का कलर क्या होता है भाई, ब्लू। ठीक है, अगेन इसमें भी कोई ऐसा पिगमेंट होगा जिसकी वजह से कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो कौन सा पिगमेंट होता है वो आपके पास, हीमोसाइनिन। कौन सा होता है, समझ आई बात, अच्छे से नोट करके लिख लो, स्टार डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ। ठीक है, आपने बोला ब्लड के बारे में बता दिया, अब ये भी बताओ कि कितने टाइप का ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो आपकी बॉडी में दो टाइप का ब्लड पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा भाई, ध्यान से सुनना, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। ठीक है, क्या है ये प्योर ब्लड, क्या है ये इम्प्योर ब्लड। ठीक है, जब भी तुम्हारे ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जब भी तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, उसको हम कौन सा ब्लड कहेंगे भाई, प्योर ब्लड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। लेकिन जब भी तुम्हारे ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, और O2 की मात्रा क्या होगी भाई, कम होगी, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर। ठीक है, अब एक चीज समझाती हूँ। जैसे तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड ऐसे खुले में नहीं पड़ा होता, ब्लड को बांध के रखता, कौन बांध के रखता है भाई, ब्लड वेसल्स बांध के रखता। ठीक है, ब्लड वेसल्स ने ब्लड को क्या किया होता है, पैक किया होता है, उनको बांध के रखता। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो तो करता है, लेकिन किनके अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की होती है। ठीक है, अब हमें बताओ कौन सी ब्लड वेसल के अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है और कौन सी वेसल के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास आर्टरीज होती है, ठीक है, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, और तुम्हारी जो वेन्स होती है ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर तुम्हारा इम्प्योर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। समझ आया अच्छे से। तो ये आज हमारा एक छोटा सा आज का टॉपिक था, एक बार रिवाइज करवा देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ह्यूमन ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों कहा जाता है बताया मैंने आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करवाया। और ब्लड क्या है हमारे पास, मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, अडल्ट मेल में इतने लीटर्स पाया जाता है और एक अडल्ट फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो आपके ब्लड है, ब्लड का वेट क्या होता है, 7% ऑफ द बॉडी। ठीक है, पीएच की बात करें तो 7.4। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे ब्लड का क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, ब्लड की फॉर्मेशन देखी कि ब्लड तुम्हारा जो है वो बनता कहाँ पे है। ठीक है, तो तुम्हारे बोन मैरो में ब्लड बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, उस स्टेज में ब्लड कहाँ बनता है भाई, लीवर में बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने कलर की बात की, हमें पता है रेड कलर का ब्लड होता है किस पिगमेंट की वजह से, हेमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि कॉकरोच और ऑक्टोपस के अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से ऑक्टोपस का व्हाइट ब्लड होता है, सॉरी कॉकरोच का व्हाइट ब्लड होता है और ऑक्टोपस का ब्लू ब्लड होता है। ठीक है, तो हीमोनिम्फ और हीमोसाइनिन याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि टाइप्स ऑफ ब्लड कितने रहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के ब्लड रहते हैं, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड तुम्हारा आर्टरीज में फ्लो करता है और इम्प्योर ब्लड तुम्हारा वेन्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ तुम्हें ब्लड का बेस बताया छोटा सा कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आई हो। ठीक है, थैंक यू।